मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और बिगड़े बोल का दौर शुरू हो गया है। रीवा में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और गुढ़ विधायक सुंदरलाल तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को वैश्या की तरह काम करने वाला बताया। गुढ़ विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि उस प्रदेश का क्या होगा जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री वैश्या के रूप में काम कर रहे हों। वैश्या का आचरण प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वोट के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 14 वर्ष में बिजली बिल माफ नहीं किया और अब चुनाव को देखकर बिल माफ कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंडलियों को 25,000 बांटेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वैश्या इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री वोट और सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अपनी और प्रदेश की आत्मा बेच रहे हैं। गुढ़ विधायक ने कहा, रीवा शहर की कानून व्यवस्था का इससे बुरा हाल कभी नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री ही व्यापम जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसके कानून के रखवाले ऐसा करते हैं तो क्या गलत है। आइए सुनते हैं गुढ़ विधायक ने क्या कहा। कि हमारे यहाँ का मुखिया भ्रष्ट है, मध्य प्रदेश के मुखिया भ्रष्ट, तो नीचे वाले अधिकारी सोचते हैं कि केवल मुख्यमंत्री मंत्री अकेले खाएंगे, हम क्यों ना खाएं। तो आईजी फ्री है, डीआईजी फ्री है, पुलिस वाले फ्री है, अन्य विभाग के लोग फ्री है, केवल पैसा खाना भ्रष्टाचार करना इनका काम है। अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं। आगे चलिए, उस प्रदेश का क्या होगा जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री वैश्या के रूप में काम कर रहे हो। वैश्या का आचरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दिखा रहे हैं। अब मैं उसको प्रमाणित करता हूं कैसे वैश्या कह मैंने कहा है। 14 वर्ष में 1 रुपए की बिजली उन्होंने माफ नहीं किया, और जब चुनाव आ गया तो बिजली के लिए माफी दिखाने लगे। वैश्या किसको बोलते हैं? वैश्या उसको कहा जाता है जो पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को वैश्या इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी आत्मा और प्रदेश की आत्मा वोट के लिए बेच दिया है, और किसी नीचे स्तर पर वो जा सकते हैं वोट के लिए और सरकार बनाने के लिए। इसलिए ये तो दो मैं नमूना दे रहा हूं।